हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अभी मैं लेके जा रहा हूँ सिम्बा को एक फ्रेंच मैस्टिफ से मिलाने। तो फिर देखते हैं दोनों का क्या रिएक्शन होगा। और जहाँ पे वो फ्रेंच मैस्टिफ है वो है मेरे यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे। तो लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं हम, थोड़ा सा ही बचा है, आधा रास्ता और बचा है यानी कि। और फिर चलते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है दोनों का। वैसे तो फ्रेंच मैस्टिफ काफ़ी फ्रेंडली है, और आपको हमारे सिम्बा का बताइए कि सिम्बा भी फ्रेंडली है। अगर सामने वाला दोस्ती करेगा तो सिम्बा भी कर लेगा, अदरवाइज सिम्बा भी भौंकने लगेगा। तो गाइस, मुझे यहाँ पे दिखा एक बहुत प्यारा सा लैब्राडोर और उसके साथ में एक और डॉग है, बट मेरे को पता नहीं चल रहा ये क्या है, वो पिटबुल है या अमेरिकन बुली। तो गाइस, अभी ब्रूनो आ चुका है, और अगर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो हम इन दोनों को खुला छोड़ देंगे साथ में, तो आराम से खेलने कूदने की वीडियो रिकॉर्ड होगी। और अगर नहीं दोस्ती होती तो हमें दूर से ही फिर रिएक्शन रिकॉर्ड करना होगा इनका। स्टार्टिंग में देखने से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे दोनों की दोस्ती हो जाएगी, सिम्बा भी पूरा इग्नोर कर रहा था, पर फिर एकदम से बूजो थोड़ा सा एक्शन कर देता है जिसके बाद फिर सिम्बा अलर्ट हो जाता। वैसे नेचर का अच्छा है कि अगर सामने वाला दोस्ती करेगा ना तो दोस्ती कर लेगा। ऐसी फ्रेंच मैस्टिफ देखने में जितना खतरनाक है उतना ही ज्यादा प्यारा भी है। तो अभी मैंने सिम्बा को बांध दिया है, और देखते हैं अगर मैं सिम्बा के साथ नहीं खड़ा होता तो सिम्बा क्या रिएक्ट करेगा, तब भी वो एग्रेसिव होगा या नहीं। जब मैं सिम्बा से दूर हो जाता हूँ, जैसे कि अब मैं उस सिम्बा से 10 मीटर दूर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो सिम्बा बेफिक्र होकर भौंक रहा है। अगर मैं उसके साथ होता हूँ तो वो हल्का सा डरा रहता है कि मैं उसको डांट दूंगा, इसलिए वो एग्रेशन नहीं दिखाता। बस यहीं तक था रिएक्शन वीडियो, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड भी हम नहीं कर सकते थे बिकॉज इनकी दोनों की दोस्ती नहीं हुई थी। अगर इन दोनों की दोस्ती हो जाती तो फिर हम आराम से रिकॉर्डिंग करते, दोनों को साथ में खेलने कूदने के लिए छोड़ देते, साथ में भागते दौड़ते जो भी करते वो हम रिकॉर्ड करते। पर जब दोनों की दोस्ती नहीं हुई तो फिर दूर से वीडियो बनानी पड़ी। तो गाइज, इस वीडियो को अपलोड करने में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पहले भी दो स्ट्राइक आ चुकी हैं, और इस वीडियो को क्योंकि वर्सेस वाली वीडियो पे ज़्यादातर स्ट्राइक आ जाती है। वैसे तो हम सब सेफ्टी के साथ ये सब करते हैं। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो गाइज, अभी फिलहाल घर आ चुके हैं, और मैंने मर्सी के लिए टग टॉय ऑर्डर किया है, यानी कि जिससे हम टग ऑफ वॉर करा सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ग्रिप की प्रैक्टिस करा सकते हैं। और टग ऑफ वॉर खेलना डॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है, और इससे आप किसी भी पपी का या फिर किसी भी डॉग का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। टग ऑफ वॉर में आपको लास्ट में हारना होगा और पपी को देना होगा, ताकि उसको ये लगे कि वो जीत गया, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
जैसा कि गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा जोर लगा रहा है और कितना ही ज्यादा हिलाने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। तो गाइस ऐसे ही मैं आपको टाइगर की क्लिप दिखाता हूँ, 2 साल पुरानी है, तब उसको भी ऐसे ही सेम टग ऑफ वॉर कराते थे हम। जहाँ से टाइगर आया था वहाँ पे उसको बहुत ब्रूटल तरीके से ट्रेन किया गया था। वो वाली वीडियो मैं अगर यूट्यूब पर डालूंगा तो डिलीट हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने ब्रूटल तरीके से उसको ग्रिप की प्रैक्टिस कराई जाती थी और वो करता था। गाइस टाइगर की ग्रिप लाने का मतलब है कि पकड़ के बैठ जाना, जब तक उदिति नहीं छोड़ेगी वो नहीं छोड़ने वाला, चाहे उसे आधा घंटा हो जाए चाहे 1 घंटा हो जाए। इस वीडियो में यहाँ पे बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा इसका सांस फूला हुआ है, पर दम भी निकल जाएगा ना टाइगर का तब भी टाइगर छोड़ेगा नहीं, इसमें ये वाली बात है। और यही स्किल इसकी हमेशा इसको फाइट में जिताती आई है। पर मुझे बस दुख इस बात का कि लोगों ने जब इससे इतनी फाइट कराई और इतनी फाइट जीता ही है, तो फिर इसके साथ इतनी बदसलूकी क्यों की गई कि टाइगर को बांध करके इसका प्रीवियस ओनर दो दो पिटबुल इसके ऊपर छोड़ दिया करता था। क्या वो इसकी फाइटिंग स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहता था कि टाइगर अकेला 3-3 पिटबुलों से लड़े। तो गाइस टाइगर से उस टाइम पे हमें भी काफ़ी डर लगता था, तो जो टाइगर ने कपड़ा पकड़ के रखा होता था वो हम कभी भी नहीं पकड़ते थे, इसको दूसरा कपड़ा दिखाते थे ताकि ये उस वाले पे अटैक करे। अगर टाइगर बचपन से मेरे पास होता तो टाइगर के फेस पे एक भी स्क्रैच नहीं होते, ये सब स्क्रैच इसके प्रीवियस ओनर ने जो फाइट कराई है तब हुए। आज के टाइम पे तो एक भी स्क्रैच नहीं है, बट पहले की वीडियो तभी स्क्रैच थे काफ़ी।
जैसा कि आप देख सकते हो कितने टाइम से ग्रिप लगा रहा है, पर छोड़ने का नाम नहीं लेगा। हमें ही छोड़ना पड़ेगा तभी छोड़ेगा, अदरवाइज एक बार टाइगर पकड़ ले तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, आधा घंटा हो जाए बेशक। बैठो बैठो, सिट डाउन, गुड बॉय। बल्लू, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।